सो गाइस ये था टूर यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर का टोरंटो में. अक्सर होता है जब हम इंडिया से आते हैं हमें बड़ी टेंशन होती है, या हम वेकेशन पे जाते हैं वापसी आ रहे होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं यार मसाले ले जाओ ये ले जाओ, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं. ऑफ कोर्स अगर आपका स्पेस है तो आप लेके आएँ, वहाँ के मसाले ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं वहाँ की चीज़ें, बट आप जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगी. आप नाम ले कोई मसाला, हींग से लेके मैं कह रहा हूँ कोई जावित्री, कोई कसूरी मेथी, यू नेम इट, आपको वो मिल जाएगा. और बाकी यहाँ पे क्या है, आपको हर टाइप की दालें वाले सब चीज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल ना. तो कोई टाइप की टोरंटो में कनाडा में अब कमी नहीं रही है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे आके कोई सामान की कोई दिक्कत होगी. यहाँ पे पूरा माहौल देसी वाला. ये जो स्टोर जहाँ पे मैं अभी गया था ये फ्रेशको के नाम से जाना जाता है और ये गोरों का स्टोर है, ये गोरों की फ्रेंचाइजी है. अगर गोरे यहाँ पे ये सामान रख रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे जो देसी ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे क्या होगा. वो पूरी तरह फ्लडेड होते हैं इंडियन सामान से. आपको बर्तन चाहिए स्टील के, आपको लोहे के तवे चाहिए, आपको तांबे के पीतल के गड़बे चाहिए, लोटे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे. तो अभी चीज़ें बदल चुकी हैं. तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो. तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, बड़ी छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि मैं सिर्फ दिखाना चाहता था यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में आपको क्या क्या मिलता है. और एक और चीज़, काफ़ी लोगों का ये होता है कि यार हम वेजिटेरियन, हम टोरंटो में कनाडा में जाएंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आके आपको मीट खाना पड़ेगा. भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो आप इंडिया में खाते थे. बस फर्क इतना है कि आपको वेजिटेरियन चीज़ों में थोड़ा सा आपको कुक करना पड़ता है, आप रॉ कम खाते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं. अगर आप रॉ खाना शुरू कर दें जैसे कच्ची पालक है सैलड के तौर में, आप कैरेट्स ले लें अपने लंच बॉक्स में डाल के, तो आपके पास वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे. यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी गोरे, एक बहुत बड़ा एक ह्यूज एक वॉल्यूम है गोरों का जो लोग वीगन है. और वीगन जो लोग होते हैं वो हमारे तरह वेजिटेरियन होते हैं. फ़र्क बस इतना होता है कि हम लोग दूध पी लेते हैं, वो दूध भी नहीं पीते हैं, वो कोई सिल्क की चीज़ नहीं पहनेंगे. कोई भी एनिमल बाय प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट जैसे वूल हो गया, वो वूल का भी इस्तेमाल नहीं करते. वो समझते हैं कि ये जो चीज़ें ये जानवरों पर बिलोंग करती हैं, हमारा कोई राइट नहीं है कि हम उन चीज़ों को जैसे उनसे ले लें बिना उनसे पूछे. क्योंकि आप देखें वूल हो या दूध हो, हम परमिशन थोड़ी लेते हैं, हम तो अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं. बट वट आई फील कि जैसे इंडिया में हम गाय की काफ़ी एक रिस्पेक्ट होती है, मतलब अभी है और नहीं भी है बट वहाँ पे एक डिफरेंट है. तो इंडिया में जो गायें होती है वहाँ पे हमारे कल्चर के हिसाब से हम उनको पूछते हैं, तो यू नो हम उनको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी. मुझे नए आइडियाज़ के लिए आप लिखें, आपको क्या यहाँ के बारे में जानना है, कनाडा के बारे में, टोरंटो के बारे में, इमिग्रेशन के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आई एम मोर देन हैप्पी मैं वो शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ. मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-12 साल हो चुके हैं, तो मेरा एक अपना एक एक्सपीरियंस है पर्सनल लेवल पे. सो चले गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय, पीस आउट.
इंडियन सेक्शन, एलो, आंवला, कड़ी पत्ता, हल्दी, करेले, बैंगन, भिंडी, लौकी, बैंगन। यहाँ पे सब्जियों की सेक्शन आ गई, जैसे आप देख सकते हैं बंद गोभी हैं डिफरेंट टाइप्स की, आगे फ्रूट्स हैं एप्पल, कीवी, पेयर, अनार पड़े हुए हैं, यहाँ पे अनियंस आ गए, प्याज डिफरेंट टाइप्स के कलर के, आलू आ गए, स्वीट पोटैटो, यहाँ पे ब्रेड्स आ गई। और प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब आप ब्रेड लें इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। काफ़ी ब्रेड्स यहाँ पे कनाडा में वेजिटेरियन हैं, जैसे डैमस्टर की ब्रेड मैं हमेशा लेता हूँ ये वाली, ये जनरली इसमें कोई एग वगैरह का उपयोग नहीं किया होता है। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे फ्रिज की सेक्शन है, यहाँ पे आपको बर्गर्स वगैरह मिल जाएंगे। अब बर्गर्स में भी अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ वेजी ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चिकन के ही बर्गर मिलेंगे। ये इंडियन सेक्शन है, यहाँ पे आप देखें पानीपुरी, गोलगप्पे जिसको हम कहते हैं, नमक पारे आ गए, यहाँ पे सेवैयाँ आ गई, पकौड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, शक्कर पारे आ गए, ये गुड़ पारे आ गए, डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये चीज़ की सेक्शन है, यहाँ पे ऑल द टाइप्स ऑफ चीज़ आपको मिल जाएगा, मोजरेला आपको मिल जाएगा, फेटा चीज़ मिल जाएगा, मतलब। ये पनीर की सेक्शन आ गई, डिफरेंट टाइप्स के पनीर, अगेन यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड के पनीर मिल जाएंगे। मैं प्रेफर करता हूँ बरार का मलाई पनीर, ये बिल्कुल इंडिया की तरह सॉफ्ट पनीर है। और सॉरी ये बताना मैं भूल गया, बेसन बर्फी जो इंडिया में हम खाते हैं बड़े शौक से। दूध की सेक्शन आ गई, यहाँ पे आपको डिफरेंट परसेंटेज ऑफ फैट का मिल्क मिलेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप यू नो यहाँ पे होमो जिसको 3.25% कहते हैं, आप वो वाला मिल्क लें, ये फुल फैट मिल्क है। कुकीज़ की सेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज़ अगेन, और आप इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह पढ़ लें, आपको दो चार बार लगेंगी उसके बाद आपको याद हो जाएगा कौन सी चीज़ आप खा सकते हैं कनाडा में बीइंग अ वेजिटेरियन, अगर आप अंडा भी नहीं खाते हैं, और कौन सी चीज़ें आप नहीं खा सकते। ये ड्रिंक्स की सेक्शन आ गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स अगेन, चिप्स मोस्टली 90% वेजिटेरियन ही होते हैं बिकॉज दे मोस्टली आर मेड आउट ऑफ पोटैटो। ये नट्स की सेक्शन आ गई, ड्राई फ्रूट्स की, बींग वेजिटेरियन आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी डाइट में नट्स रखें, बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गया, किशमिश हो गई। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और स्टे सेफ।